हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी का पहला महीना कैसे होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी दुनिया की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ये समय एक महिला के जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। एक महिला को जैसे ही अपने प्रेग्नेंट होने की खबर मिलती है, उसकी तो खुशियों का ठिकाना भी नहीं रहता। हालांकि प्रेगनेंसी अपने साथ कई तरीके के शारीरिक बदलावों को लाती है और समस्याओं का अंदेशा लेकर भी आती है। अगर प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी जाए तो प्रेगनेंसी से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में वही सब बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरी जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के लक्षण कौन कौन से होते हैं। इनमें पहला सिम्टम है मिस्ड पीरियड हो जाना। इसे आप प्रेगनेंसी का शुरुआती संकेत मान सकती है। दरअसल किसी महिला के प्रेग्नेंट होते ही उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। इस हार्मोन की वजह से आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। दूसरा सिम्टम होता है स्पॉटिंग और इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग पड़ना। जब यूट्रस में अंडा फर्टिलाइज होता है तब कंसीव करने वाली महिला को हल्की सी स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। बॉडी में कई तरीके के क्रैम्प्स फील हो सकते हैं। कंसीव करने के एक वीक के बाद ही प्रेग्नेंट महिला के शरीर में ये दोनों सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तीसरा सिम्टम्स होता है मूड स्विंग्स होना। प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही प्रेग्नेंट महिला के व्यवहार में काफ़ी उतार चढ़ाव आने लगता है, उसके मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ये उतार चढ़ाव प्रेग्नेंट महिला के शरीर में होने वाले हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से होता है। इस दौरान प्रेग्नेंट महिला का मूड लगातार चेंज होता रहता है, जैसे कि वो किसी भी बात पर चिढ़ सकती है, उसे बेवजह रोना आ सकता है, बेवजह हंसी आ सकती है। चौथा सिम्टम है ब्रेस्ट का कड़ा हो जाना। प्रेगनेंसी के पहले महीने में कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं के ब्रेस्ट कड़े हो जाते हैं और उनमें हल्का दर्द भी होता है। इस दौरान प्रेग्नेंट महिला के ब्रेस्ट में थोड़ी सूजन आ सकती है। पांचवा सिम्टम होता है निप्पल का कलर चेंज हो जाना। इस दौरान आपको निप्पल्स में भी बदलाव नजर आ सकता है। हार्मोन्स में बदलाव होने से मेलानोसाइट्स प्रभावित होते हैं, इससे उनमें मेलेनिन का उत्पादन होता है, जिससे त्वचा का भी रंग गहरा हो जाता है। यही कारण होता है कि आपकी निप्पल का भी कलर जो है वो डार्क हो जाता है। छठवां सिम्टम होता है थकान हो जाना। प्रेगनेंसी के पहले महीने में बिना कुछ किए ही प्रेग्नेंट महिला को थकान महसूस हो सकती है। इस दौरान उन्हें सोने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सातवां सिम्टम होता है बार बार टॉयलेट लगना। देखिए, इस टाइम आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही प्रेग्नेंट महिला को बार बार टॉयलेट आने लगती है। आठवां सिम्टम होता है मॉर्निंग सिकनेस होना। प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के पहले महीने में सुबह सुबह जी मचलाने लगता है, उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है, चक्कर भी आ सकते हैं। इससे निपटने के लिए प्रेग्नेंट महिला नींबू पानी पी सकती है या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक ले सकती है। आखिरी सिम्टम होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाना। प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण उन्हें कॉन्स्टिपेशन की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही आपको कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसे एकदम नॉर्मल माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में फर्स्ट मंथ में क्या क्या चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो पहले महीने में प्रेग्नेंट महिला को अपना शरीर पहले से ज़्यादा फूला हुआ लगने लगता है। उसे अपने पीठ के हिस्से में थोड़ा जकड़न जैसा फील होने लगता है। इस समय आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिला के ब्रेस्ट का आकार बढ़ने लगता है। साथ के साथ बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण प्रेग्नेंट महिला के निप्पल ज़्यादा काले और बड़े होने लगते हैं। ओव्यूलेशन के एक सप्ताह या 10 दिन के बाद तक प्रेग्नेंट महिला को स्पॉटिंग हो सकती है। ऐसा गर्भ में भ्रूण की इम्प्लांटेशन होने के कारण होता है। इसके साथ प्रेग्नेंट महिला के प्राइवेट पार्ट से ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज भी होने लगता है। अब हम ये बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपके बेबी का डेवलपमेंट कितना हो चुका होता है। जब स्पर्म और एग का मिलन होता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। रिलेशन बनाने के कुछ समय बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस की शुरुआती फेज में स्पर्म और एग के मिलन से एक एम्ब्रियो बनता है, इसको जायगोट भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में जायगोट फैलोपियन ट्यूब से होकर यूट्रस में पहुंचता है। रिलेशन बनाने के 4th से 6th दिन के बीच ये जायगोट कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है।
इसके बाद ये सेल्स इकट्ठा होकर गेंद जैसा आकार ले लेती है। इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब अगर ये ब्लास्टोसिस्ट 2 से 3 दिन में यूट्रस की दीवार से चिपक जाए तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसके बाद ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बेबी विकसित होने लगता है। फर्टिलाइज अंडा विकसित होने पर एम्बिलिटिक बैग में रहने लगता है। इस दौरान प्लेसेंट्रा भी डेवलप होने लगता है। अब अगर बात की जाए बेबी के डेवलपमेंट की, तो इस टाइम चेहरा बनना थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। आँखों की जगह काले घेरे नजर आने लगते हैं। इस दौरान बेबी का निचला जबड़ा और गला बनना स्टार्ट होता है। वहीं ब्लड सेल्स बनकर ब्लड सर्कुलेशन शुरू कर देती है। 4वें सप्ताह के अंत तक होने वाले बेबी का दिल 1 मिनट में 65 बार धड़कने लगता है। इस महीने के अंत तक होने वाला बेबी 1/4 इंच का हो जाता है, जो चावल के दाने से भी छोटा होता है। इसके बाद आपको कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना होगा कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए, फाइबर युक्त भोजन खाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। दिन में कम से कम आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेकर ज़रूरी विटामिन और सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। अपनी खान पान की आदतों में सुधार लाना चाहिए और डॉक्टर से कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा सोएं और आप आराम करें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, खुलकर जिए, घर में रहकर स्वस्थ रहें। घर से बाहर जरूरी काम होने पर ही जाएं, कोरोना से बचें, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें।